बारहवीं पास करने के बाद एक लड़का विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं होता। फिर उसकी दोस्ती होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लॉ के स्टूडेंट सदाकत से। मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अक्सर अब इनकी मुलाकात होती है। साथ में उठने बैठने और घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की। पढ़ाई के मामले में अपने पांचों भाइयों में सबसे तेज था असद अहमद। बताया जा रहा है कि अपने पांचों बेटों में सबसे ज्यादा अतीक को असद से ही प्यार था। डॉन चाहता था कि असद जुर्म की दुनिया नहीं लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अतीक अहमद ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो बबूल के पेड़ बोए थे, आज उसी के कांटे में वो फंस कर रह गया है। आरोप है कि अतीक अहमद, उसके भाई और दो बेटों के जेल जाने के बाद असद ने गैंग की जिम्मेदारी उठाई और लखनऊ और प्रयागराज से ऑपरेट करने लगा। दरअसल साल 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आया था। उस समय उमर ने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण किया था। मोहित जायसवाल का अपहरण करके उमर उसे देवरिया जेल लेकर गया था। उस समय अतीक अहमद इसी जेल में बंद था। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों ने दोनों भाइयों पर इनाम घोषित किया था। दोनों भाइयों ने जुलाई में पकड़े जाने और एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया था। यूपी पुलिस को संदेह है कि दोनों भाइयों के सरेंडर करने के बाद असद ने गिरोह की बागडोर संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।